चाय बाबूजी को दी? दे दी दीदी, और किचन भी साफ कर दी। ठीक है, अब तू जा। सूरत लड़कियों को ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए बेबी। और अच्छे लड़कों को इतने गंदे चश्मे नहीं पहनने चाहिए, वो भी शाम में। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हमने तो तुम्हें इंप्रेस करने के लिए पहना। वैसे तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? कोई टेंशन है? नहीं। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दे। अरे गर्लफ्रेंड हो तो गर्लफ्रेंड की तरह बैठो ना। घर से थोड़ा दूरी उतारना, अगर तुम्हारे पापा ने देख लिया तो सारी हीरोगिरी निकाल देंगे तुम्हारी। कहाँ गई थी आवारा गर्दी करने? घर पे इतना काम पड़ा है तुझे समझ में नहीं आता? सॉरी आंटी जी, वो काम से निकलने में देर हो गई। खड़ी क्या है? अब जाकर सबसे पहले ना पोछा लगा और अंदर बर्तन पड़े वो भी कर। जा चल। ऊपर चाय बनाओ हमारे लिए भैया, जल्दी कुछ नाश्ता भी बना देना, आज फैक्ट्री में खाना नहीं खाए हम। वो अंकल जी, मुझे पोछा लगाना और बर्तन धोने हैं। मतलब तुम्हारे काम के चक्कर में हम भूखे मर जाएं, इंतजार करें? ऐसा लग रहा है हमको कि तुम जवान चला रही हो आजकल हमसे। तनख्वाह मिली? तो अब पैसे मांगने पड़ेंगे तुमसे, हैं? अपने आप देने का विचार नहीं था तुम्हारा? देने ही वाली थी मैं जे। नहीं, तुम्हारे रंग ढंग सब समझ रहे हैं हम। पापा, हर महीने की पगार तो दे देती है ना वो, फिर भी आप उसके पीछे पड़े रहते हो। ए वकील साहब, पक्ष ले रहे हो इसका? अरे माँ बाप हम हैं कि ये? आपने उस अनाथ को लाया था क्योंकि उसकी आप देखभाल कर सको, आपने तो उसे काम वाली बना दिया है। एक मिनट, ये वकालत मत छाड़ो हमारे सामने। 12 साल से 18 साल का कर दिया है, पाल पोस के बड़ा कर दिया। पहले तुम ना काम धंधा शुरू करो, पैसा कमाओ थोड़ा सा, तब घर के मैटर में टांग अड़ाना। थकी हुई लग रही है, लगता है आज भी उस ठरकी सक्सेना ने। श्रवण, तू उसको क्यों नहीं बता देती? शायद वो तुझे इस नर्क से बाहर निकाल दे। और वैसे भी अगर उसे कहीं और से पता लगेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। बताना तो मैं भी चाहती हूँ श्रवण को, पर मैं ना डरती हूँ क्योंकि श्रवण इकलौती खुशी है मेरी। मैंने उसे बताया और उसने मुझे छोड़ दिया तो नहीं। भाव, क्या हुआ? मैं हूं नूपुर? मेरे ख्यालों में इतनी खोई हुई थी क्या? तू उसको क्यों नहीं बता देती? शायद वो तुझे इस नर्क से बाहर निकाल दे। और वैसे भी अगर उसे कहीं और से पता लगेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। नूपुर, क्या हुआ तुम्हें? भाग चलते हैं ना। क्या? पर भाग कर जाएंगे कहां नूपुर? क्या करेंगे? पैसे भी नहीं है हमारे पास। मेरे पास है 30,000। 30,000? तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करना है वो नियति खुद करेगी। हेलो,
रही यहाँ पे? सर के पीछे भी घाव। तो हो सकता है पहले सिर पे वार किया गया और उसके बाद स्टैब किया गया। लेकिन मारने के लिए तो चाकू काफी है, तो फिर दूसरे हथियार से वार क्यों? हो सकता है एक से ज्यादा लोग। सर ये आईडी मिला, ये इसी का है, नुपुर त्रिवेदी है नाम इसका। और सर ये मोबाइल और कुछ पैसे भी मिले। इतनी बुरी तरीके से इतने सारे घाव किए गए, पूरी कहानी पोस्टमार्टम में ही पता चलेगी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फैमिली को शिनाख्त के लिए बुलवाओ। सर हमने कहा था मेरी नुपुर को हाथ मत लगाना, फिर भी आपने लगाया, आपने मारा मेरी नुपुर को। अरे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। लेके जाओ, आपने मर्डर किया मेरी नुपुर का। दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पिता ने नुपुर को मारा? सर क्योंकि मैं और नुपुर एक दूसरे से प्यार करते थे। थोड़े दिनों पहले ही सर हमने प्लान बनाया था भागने का। भागने का? क्योंकि माँ बाप मान नहीं रहे थे इसलिए। मानना तो बहुत दूर की बात है, वो नुपुर को एक्सप्लोइट करते थे, उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी, दूसरों के घर में मेड का काम कराते थे। सर जितनी भी सैलरी आती थी सब ले लेते थे, इसलिए सर हमने किसी को नहीं बताया। और फिर एक दिन क्या कर रहे हैं अंकल जी? क्या चल क्या रहा है इस सब? हमारे घर में हमारे नाक के नीचे। अरे क्या हुआ? सांप पाल रहे हैं हम सांप। हमारे बेटे पे डोरे डाल, हमारे बेटे पे डोरे डालेगी, हम हमारे बेटे पे डोरे डालेगी। ऐसा कुछ भी नहीं किया अंकल जी। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया। ये देखो क्या है ये, आप बोल क्या है ये सब? छोड़िए बाबा उसे, वरना हम खुद को मार देंगे। छोड़िए उसे, छोड़िए उसे अभी। चाकू हटा लो, छोड़ दिया हमने उसको। वो कल भागने वाली थी और दो तीन दिन बाद मैं भी भागने वाला था। उसके काम का आखिरी दिन था सर कल। शायद पापा को पता चल गया होगा और उन्होंने नुपुर के साथ। हम सही कह रहे हैं सर, हमें तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दोनों भागने वाले थे। अच्छा हुआ मर गई, पाप होने से बच गया। मर गई या तुम दोनों ने मार दिया? वैसे भी मारते पीटते तो रहते ही थे उसको घर में। नहीं देखिए आप गलत अंदाजा लगा रहे हैं सर, हम आपको सच बता रहे हैं। अरे बचपन से हमारे घर में रह रही थी, हमारे बच्चे पे डोरे डालने लगी वो। दो साल बड़ी थी सर हमारे लड़के से। सर ये सही लगता है क्या कि रिश्तेदारी थी, दूर की थी लेकिन थी रिश्तेदारी सर। हम क्या करते, गुस्सा आ जाता कभी कभी। नुपुर डोरे नहीं डाल रही थी, तुम्हारे बेटे श्रवण का दिल आ गया था उसके ऊपर। नहीं जे गलत बात कर रहे हैं सर आप, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा लड़का इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था परीक्षा की, पता नहीं कब इस लड़की ने उस पर डोरे डाल दिए, कब उसका दिमाग पलट के रख दिया सर, लड़का बर्बाद कर दिया हमारा। बर्बाद तू हमारा टाइम मत कर और सीधे सीधे ये बता कि नुपुर को मारा या किसी से मरवाया? क्या बात कर रहे हैं आप, आप गलत बोल रहे हैं सर। हमने कुछ नहीं किया सर, हमने नहीं मारा उसको, हम निर्दोष हैं सर। तो निर्दोष है या दोषी वो तो इंक्वायरी में निकल ही जाए और उसके बाद हम पहले लाद से बात करेंगे और बाद में बात करेंगे इसकी सारी डिटेल्स और नुपुर की भी सारी डिटेल्स और वो नंबर जिससे तुझे वीडियो आया वो नंबर भी। चलिए जाओ ठीक आ जाओ। सर प्रकाश के हाथ देखे कैसे मसल रहा था, पाव हिला रहा था, ऐसा लगता है काफ़ी नर्वस था, जरूर कुछ छुपा रहा है। देखा प्रकाश, इसकी बीवी और श्रवण तीनों के CDR और मोबाइल लोकेशन निकलवा और इसकी फैक्ट्री में भी पूछताछ करो, मर्डर के टाइम पर कहाँ। नुपुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसकी मौत 18 दिसंबर को दोपहर 3 से 5 के बीच हुई, सर पे किसी भारी चीज़ से वार किया गया और उसे 7 बार स्टैप किया गया। पर हाँ सर, उसके बॉडी पे सीमेंट में मिला। सीमेंट? रेप हुआ है? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का कोई मेंशन नहीं, हो सकता है कंसेंशुअल हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि कातिल ने नुपुर के सर पर किसी चीज़ से वार किया हो जिससे वो बेहोश हो गई हो या फिर प्रोटेस्ट करने की हालत में नहीं रही हो, फिर उसके साथ सेक्स किया इसीलिए रेप पोस्टमार्टम में नहीं आया और फिर उसे मार दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि नुपुर किसी के साथ थी, उसके साथ संबंध बनाए
और फिर घर वापस जाते समय उसका मर्डर हुआ। सर नुपुर का सक्सेना के घर आखिरी दिन था और घर से निकलने के 2 घंटे के अंदर उसकी मौत हो गई। सक्सेना फैमिली से कांटेक्ट करो, देखो वहाँ से क्या मिलता है। और नुपुर के कांटेक्ट में जितने भी आदमी थे सबका डीएनए टेस्ट करवा। सर दामिनी, वो नुपुर की फ्रेंड सर अनीता, अनीता उससे मिलो, देखो वहाँ से क्या पता लगता है। सर उसे कोई क्यों मारेगा? वो आपके यहाँ से कितने बजे निकली थी? 3:30 बजे। कुछ बताया था उसने कि वो आपके यहाँ का काम छोड़ क्यों रही? कुछ कुछ बताया नहीं उसने। उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ जानती हैं? हाँ, श्रवण। वो उसे बहुत प्यार करती थी, हमेशा बोलती थी कि वो मेरा बहुत ध्यान रखता है, उससे लड़ाई नहीं करता। और नुपुर भी बहुत सीधी और मेहनती लड़की थी। मेरी बहू एकदम ठीक कह रही है मिश्रा जी, बेटे के जाने के बाद हमने नुपुर को काम पर रखा था और काम से ज़्यादा प्रीति के साथ के लिए, और थोड़े ही दिन में उसने हमारा दिल जीत लिया। सर मनीष और प्रीति सक्सेना दोनों नुपुर से बहुत खुश थे। इसका मतलब नुपुर को अपने काम से तो कोई दिक्कत नहीं थी। सर सर नुपुर को सबसे बड़ी दिक्कत उसका काम ही। सर मैं अभी उसकी दोस्त अनीता को मिल के आ रही हूँ। मैम वो सक्सेना ने नुपुर का जीना हराम कर रखा था, उसने डरा धमका कर नुपुर के साथ संबंध बना ली। वो उसे पीरियड्स में भी नहीं छूटता था। नुपुर मैं मार्केट जा रही हूँ, 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। कुछ लाना है क्या? हाँ दीदी, वो नींबू मैं लिस्ट में लिखना भूल गई थी। ठीक है, आते हुए लेके आऊंगी। चल, अरे आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि बहुत टाइम मिलेगा। चल सब आज नहीं। अरे क्यों नहीं आज? चल सब आज महीना चालू, प्लीज। कुछ नहीं होता महीने महीने से। और उसे पैसे भी देता था, अंकल आंटी का तो कोई सपोर्ट था नहीं उसे, वो तो पैसे के भूखे थे। अंकल जी, वो सक्सेना जी वो बहुत गंदे आदमी है, वो हमें गलत तरीके से छूते हैं। हम उनके यहाँ काम नहीं करना चाहते हैं, हम छोड़ दें उनका काम। हाँ छोड़ दो बेटा, लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, आज के आज ही दूसरा कोई काम उतने पैसे वाला ढूंढ ले। नहीं वहां भी आदमी छेड़े तो वो नौकरी भी छोड़ देना, हमको फर्क नहीं पड़ता। पैसे चाहिए ना बेटा खर्चा चलाने के लिए। अब क्या है कि तुम्हारा खर्चा हम उठा नहीं सकते ज्यादा। फिर बेचारी क्या करती? बस फिर उसने उन्हीं पैसों से उसने श्रवण के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का प्लान बनाया। नुपुर ने श्रवण को सक्सेना के बारे में कुछ बताया था? नहीं, उसे बताना चाहिए था। श्रवण उसका बॉयफ्रेंड, उसका हक है जानने का। मैम एक और बात, नुपुर ने मुझे बताया था कि रास्ते में आते जाते उसे एक लड़का छेड़ता रहता था। कौन था वो लड़का, उसका नाम, उसके बारे में कुछ जानती हो? नहीं, नुपुर ने बस मुझे इतना ही बताया था। और ये सक्सेना वाली बात तुम्हारे अलावा किसी और को पता है? प्रकाश अंकल को। और कभी तुमने ये बात किसी और को बताई हो? मैम वो एक बार श्रवण के सामने मेरे मुंह से निकल गई थी। हाँ सर, बोला था अनीता ने, मगर हमने उसकी बात कभी नहीं मानी। बात नहीं मानी या फिर गुस्से को मन में दबा कर रखा था और मौका मिलते ही मार दिया उसे? नहीं सर नहीं, हमें उस पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। क्यों? अनीता भी हमसे प्यार करती थी, हमने मना कर दिया था। सर हमें लगा कि उस वजह से वो नुपुर के बारे में बकवास कर रही है। बकवास वो कर रही थी या तू कर रहा है? और नुपुर और अनीता दोनों को 2 टाइम कर रहा था, सच बोल। सच बोल रहा हूँ सर, करीब 2 महीने पहले की बात है, उसने मुझे खुद प्रपोज किया था। श्रवण मैं तुमसे प्यार करती हूँ, दिन रात बस मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहती। आई लव यू श्रवण। अनीता मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता, हम दोनों एक अच्छे दोस्त है, मैं इससे ज्यादा कुछ एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर। हाँ सर, श्रवण और मैं बचपन से साथ में पढ़े, स्कूल कॉलेज साथ में किया, और मैं श्रवण को लाइक करती थी तो मैंने उसे प्रपोज कर दिया। लेकिन सर श्रवण और नुपुर के अफेयर के बारे में मुझे नहीं पता था, वो तो मुझे उस दिन श्रवण ने बताया। सर नुपुर बेस्ट फ्रेंड थी मेरी, और मैं उन दोनों के बीच में आकर अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहती थी। मैंने श्रवण से रिक्वेस्ट की कि वो मेरा प्रपोजल भूल जाए,
और नुपुर से इस बारे में कुछ ना कहे। बहुत बढ़िया दोस्ती निभाई तुमने, लोग मिसालें देंगे तुम्हारी दोस्ती की। प्रपोजल रिजेक्ट हो गया तो उस चक्कर में नुपुर को मारने का ही प्लान बना लिया। नुपुर और श्रवण अलग अलग भागने वाले थे, ये बात पता थी ना तुम्हें? और नुपुर भाग जाती है उसके पहले ही मर गई और श्रवण बच गया तुम्हारे लिए, है ना? क्या सर? सर श्रवण ने, पर क्या श्रवण ने आपको ये बताया कि वो खुद नुपुर पर ट्रस्ट नहीं करता था? तभी तो उसने नुपुर से आधे पैसे मांगे भागने से पहले। भाग कर जाएंगे कहाँ नुपुर, क्या करेंगे? पैसे भी नहीं है हमारे पास। मेरे पास है 30,000। 30,000? तुम्हारे पास कहाँ से आए इतने पैसे? वो सक्सेना साहब ने ना मेरी पगार बढ़ा दी थी, पर मैंने तुम्हारे पापा को नहीं बताया। और प्रीति दीदी से बात करके मैं दिन में इधर उधर के घरों में भी काम कर लेती थी, बस उन्हीं सबसे मैंने पैसे बचाए। ठीक है, भागना ही बेहतर रहेगा, पर हाँ हम लोग ना अलग अलग भागेंगे। मैंने तुम भागना, फिर थोड़े दिनों बाद मैं आऊँ, जैसे किसी को शक ना। और हाँ, मुझे आधे पैसे चाहिए। और तभी से श्रवण नुपुर को शक की नजर से देखता था। शक की वजह से नहीं, मुझे भी तो पैसे चाहिए थे भागने के लिए। मुझे शक हुआ था जब मैंने नुपुर के पास इतने पैसे देखे, तो नुपुर ने कहा कि उसने एक्स्ट्रा काम करके वो पैसे कमाए। मैंने सर अपने प्यार के खातिर वो उसकी बात मान ली। ऐसा नहीं हुआ, हुआ ये था कि अनीता ने तुझे बताया कि नुपुर सक्सेना के साथ सोती है और वो बदले में उसे पैसे देता है, और नुपुर ने सारे पैसे भी ऐसे ही कमाए। तुझे बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और तूने नुपुर को मार दिया। नहीं नहीं सर, मैं उसे क्यों मारूंगा, मुझे तो उससे हमदर्दी थी। मेरे पापा और वो बुड्ढा सक्सेना, वो दोनों उसका बहुत फायदा उठा रहे थे। मैं तो सर उसे इन सब चक्करों से दूर लेके जाना चाहता था। छोटे लोग छोटी बातें, मेरा नुपुर के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं था। देखिए सक्सेना जी, हमारे उधर एक कहावत है कि इश्क मुश्क खांसी और खुजली छुपाए नहीं छुपा। ऐसा है कि जो सच है वो आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाएगा। मेरा सुझाव इतना है कि अपने मुंह से खुद बता दीजिए। जो सच था वो मैं आपको बता चुका हूँ। प्रकाश को जिस नंबर से नुपुर और श्रवण का वीडियो भेजा गया, वो नंबर किसी और का नहीं, उस उदय का ही। प्रकाश के एरिया में रहे, लड़की बाजी और छोटे मोटे मारपीट के क्रिमिनल केसेस भी इसके नाम पे रजिस्टर। पर सर जब नुपुर सक्सेना के घर से निकल के अपने घर आती तब इन दोनों की मोबाइल की लोकेशन सेम हुआ करती थी। मतलब हो सकता है कि इस समय वो उसको फॉलो करता था और छेड़ता था। सर इतना ही नहीं, जब नुपुर का मर्डर हुआ इस उदय की मोबाइल की लोकेशन क्राइम सीन की थी। मिश्रा हो ना, इस वन साइडेड आशिक ने ही नुपुर को मारा, लेकर आओ इसे। सर ये नुपुर के कॉल रिकॉर्ड्स। सर अनीता प्रीति और श्रवण से अक्सर बात होती थी, पर कविता और प्रकाश उससे कभी कभार बात होती थी। सर एक नंबर पे नुपुर की काफी बार बात हुई, पर वो उसके सर्कल में नहीं है। सर महीने में 30 से 40 मिनट 3 से 4 बार बात हुई। 30-40 मिनट, इतनी बात तो किसी करीबी के साथ ही की जा सकती है। नाम? सर मदन कुमार। सर इसका बैंक डिटेल्स में भी नाम पाया गया। सर इसने इस हफ्ते 15,000 रुपए नुपुर को ट्रांसफर भी किए। सर ये देखिए मदन कुमार। अब ये नया कौन है? नुपुर ने सक्सेना से पैसों के लिए संबंध बनाए, कहीं ऐसे कोई अरेंजमेंट मदन के साथ भी तो नहीं था? गरीब अनाथ लड़की ईमानदारी से रहना चाहे तो दुनिया रहने नहीं देती। प्रकाश उसे पैसों से एक्सप्लॉइट कर रहा था, सक्सेना उसका शारीरिक शोषण कर रहा था, और अभी उदय। और जब उसने सिस्टम को बदलने की कोशिश की तो मर्डर हो गया। पुलिस के लिए नूपुर एक पहेली बन चुकी थी। एक तरफ तो नूपुर का बॉयफ्रेंड श्रवण और उसकी दोस्त अनीता नूपुर को एक सीधी सादी प्यारी सी लड़की बता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नूपुर पैसों के लिए सक्सेना से शारीरिक संबंध बनाए हुए थी। नूपुर ने सक्सेना से 30,000 रुपए कमा लिए थे और उसी ने श्रवण से भागने की बात भी कही थी। वहीं नूपुर की मौत के ठीक पहले किसी मदन कुमार नाम के आदमी ने उसे 15,000 रुपए दिए थे। कौन था ये मदन कुमार? नूपुर का एक और क्लाइंट? क्या नूपुर को अपने शरीर का सौदा करके पैसा कमाने की आदत पड़ गई थी, और क्या यही उसकी मौत का कारण बना? या फिर श्रवण को नूपुर का सच पता चल गया था और उसने गुस्से में आकर नूपुर को खत्म कर दिया? पुलिस हर एंगल से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और तभी उन्हें एक चौंका देने वाला क्लू मिला। प्रीति सक्सेना ने अबॉर्शन कराया था, वो भी 1.5 साल में 2 बार। सर नूपुर के फोन से मैटरनिटी की बुकिंग भी हुई थी और दोनों बार नूपुर साथ में गई थी। मतलब नूपुर प्रीति की राजदार थी। सर मिश्रा उदय का क्या हुआ? सर वो गायब है, एक कांस्टेबल को उसके घर पे भेजा लेकिन घर पे कोई नहीं, हमारी टीम उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। मिश्रा उदय जल्द से जल्द चाहिए। जी सर,
और सर नूपुर की बॉडी पे मिला सीमेंट उसका डीएनए सक्सेना से मैच करता है। क्या कहीं सक्सेना प्रीति के साथ भी तो? इंस्पेक्टर साहब क्या क्या बोल रहे हैं आप? बहू बेटी के सामने ये सब बोलते हुए अच्छा लगता है क्या? जो किया है आपने वही बता रहा हूँ ना, और अभी तो पूरी बात भी नहीं बताई, तो बाकी की बात आप बताएंगे या मैं बताऊं? प्रीति जी आपके जो ससुर इंस्पेक्टर साहब मैंने उसके साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं की, जो कुछ भी होता था वो उसकी और मेरी मर्जी से ही होता था, पैसे दिए मैंने उसे हर बार, क्राइम नहीं किया कोई। बहुत लॉ पढ़ा है आप, तो ये भी मालूम होगा कि किसी की गरीबी का फायदा उठाना, किसी मजबूर को पैसे देकर उसके साथ संबंध बनाना भी क्राइम। तो किस्मत अच्छी है कि नूपुर ने आपके खिलाफ कंप्लेन नहीं लिखवाई। अभी बताइए नूपुर से आखिरी बार कब मिले थे और क्या हुआ? तो बहुत याद आएगी नूपुर मुझे, 2 साल में तो छोटी बहन बन गई थी मेरी, पर अच्छा है कि तू उस नरक से निकल रही है, मुंबई जाके खूब खुश रहना, और अगर कोई भी जरूरत हो ना तो मुझे फोन करना, झिझकना मत। ठीक है दीदी, और वैसे भी दीदी आपने तो मुझे अपनों से ज्यादा प्यार दिया है, मैं तो आपको कभी भूल ही नहीं सकती। चल पगली अपना काम खत्म कर और घर जा। जी दीदी। सुन ये ले। अरे ले लो, काम आएंगे तुम्हारे। थोड़ा वसूल भी तो करने दो। उस दिन आखिरी बार हुआ था, बस दिन भर मैं घर में ही था, आप पता कर सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ, मैं सच कह रहा हूँ। बिल्कुल बोल रहे, लेकिन आधा सच, बाकी का सच मैं बता देता हूँ। नूपुर शहर छोड़कर जा रही थी, जिसके लिए उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे करने थे। वो आपके पास आई क्योंकि ये आखिरी मौका था उसके पास पैसे कमाने का, पर अपना मुंह बंद रखने के एवज में उसने आपसे मोटी रकम मांगी, ब्लैकमेल किया, आपने पैसे दे भी दिए लेकिन उसका पीछा किया, उसे मार दिया और अपने राज को हमेशा के लिए दफन कर दिया। 2 साल में नूपुर ने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, ब्लैकमेल क्या करती, जो भी कुछ हो रहा था उसकी मर्जी से ही हो रहा था। मैंने कब कहा कि मैं आपके और नूपुर के रिश्ते की बात कर रहा हूँ? मैं आपके और प्रीति के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। नूपुर जानती थी ना इस बारे में, ये तो हुई ब्लैकमेल करने वाली बात। प्रीति मेरी बहू है, मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी की जगह रखा है, मैं उसके लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो फिर 2-2 बार अबॉर्शन कराने की जरूरत क्यों पड़ी प्रीति को? अबॉर्शन? नहीं नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। देखिए मैंने तो क्या, किसी ने भी उसे कभी नहीं छुआ है, और तो और वो घर से भी नहीं निकलती थी। सबूत है हमारे पास, वैसे आप कुछ प्रकाश डालेंगे इस सिचुएशन पर? सर वो मेरा अफेयर चल रहा था, सॉरी बाबूजी। उल्टा तुझे शर्म नहीं आई मेरे बेटे की इज्जत खराब करते हुए? मैं तुझे इसी वक्त अपने घर से निकाल। हाथ दूर, पहले अपने कर्मकांड देखिए उसके बाद उसको ज्ञान दीजिएगा। किससे अफेयर चल रहा था प्रीति जी? आप मदन कुमार मेरा बॉयफ्रेंड था कॉलेज, हेलो ठीक है सर मदन कुमार मिल गए। सर 2 साल पहले इसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसके बाद ये मुझे मॉल में मिली और वहाँ पर नंबर एक्सचेंज हो गया, फिर बातचीत शुरू हो गई। मुझे लगा कि किस्मत ने हमें एक बार फिर से मौका दिया, हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे सर। माना कि कुछ गलत नहीं कर रहे थे, तो फिर सबसे छुपाया क्यों? किसी को बता देते, शादी कर लेते। सर मैं अपने ससुर के मरने का इंतज़ार कर रही थी, वो मेरी कभी भी दूसरी शादी होने नहीं देते, और अगर उन्हें पता चल जाता तो मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी से मुझे बेदखल कर देते। सर इसलिए हम छुप छुप कर मिलते थे और बातें भी सोच समझ कर करनी पड़ती थी, वो इसके ससुर इस पर बहुत नज़र रखते थे। थैंक्स टू नूपुर, जब भी मुझे प्रीति से बात करनी होती थी मैं नूपुर के फ़ोन पर कॉल कर लेता था। हेलो, हाँ एक मिनट। किसका फोन? वो कविता आंटी का फोन है। हाँ आंटी जी बोलिए। हाँ दीदी मदन जी का फोन। हेलो मदन,
सर हम दोनों नूपुर के बहुत आभारी हैं, इसीलिए तो जब वो मुंबई जाने की बात की तो उसके अकाउंट में मैंने 15,000 पर ट्रांसफ़र किए, बस एज ए थैंक यू हम दोनों की तरफ से। और हो सकता है कि उसने मेंशन नॉट बोलने की बजाय मुंह बंद रखने के और ज़्यादा पैसे मांग लिए, तो दोनों ने मिलकर उसे मार दिया। अरे नहीं नहीं सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर उसने कभी भी एक रुपया भी हमसे नहीं मांगा था, और 18 तारीख को तो हम उरई में थे। उरई में क्या कर रहे थे? सर वहाँ पर फार्म है मेरा, मैं उसी के काम से गया था। मिश्रा मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और टोलना कैसे वेरीफाई करो? कातिल तक पहुँचने के लिए पुलिस दो चीज़ों पर खास ध्यान देती है, मोटिव और एविडेंस, और नूपुर को मारने का मोटिव लगभग सबके पास था। प्रकाश अपने बेटे श्रवण को नूपुर से बचाना चाहता था, और श्रवण ने सक्सेना का सच पता चलते ही शायद गुस्से में नूपुर को मार दिया हो। वहीं प्रीति, सक्सेना और मदन तीनों अपने अवैध संबंधों के सामने आ जाने के डर से नूपुर की जान ले सकते थे, लेकिन पुलिस के पास एविडेंस किसी के भी खिलाफ नहीं था। पुलिस अब हर शख्स को एक मुजरिम की तरह से देख रही थी, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस का रुख बदल दिया। पता क्यों भेजा नूपुर के मामा को वीडियो? क्या चाहता? नूपुर को पाना चाहता था ना, और जब उसने तुझे भाव नहीं दिया तो तूने उसे मार दिया। सलीम बड़ी मस्त दिखती थी, पूरे मोहल्ले में उसके जैसा माल नहीं था साहब। अरे मार का रहे साहब, बता तो रहे हम बात भी किए थे उससे, लेकिन उस साल श्रवण बीच में आ गया। कौन हो तुम और ऐसे रास्ता क्यों रोके हो? बहुत सुंदर हो तुम, हमको बहुत अच्छी लगती है, गुलाब है तुम्हारे लिए। ए सुनो छोड़ो, हमको प्रपोज वपोज करना नहीं आता है, बस इतना समझ लो प्यार करते हैं और तुम हमारी हो। हाथ छोड़ो हमारा। अरे हाथ काहे छोड़े, इतना दिन से साले हाथ कैसे लगाया तूने? अगली बार अगर उसको हाथ लगाया है ना, तेरी शक्ल पहचानने में नहीं आएगी, समझा? चल बे सरा, हमको पता है तू इसके साथ क्या करता है, तेरे घर में पता है क्या? रे तू कौन होता बोलने वाला? अगली बार उसे हाथ मत लगाना, समझा? हमारा दिमाग गर्म हो गया था साहब, इसलिए गुस्से में श्रवण के बाप को वो सारे वीडियोस भेज दिए ताकि श्रवण और नूपुर का रिश्ता टूट सके। और जब ऐसा नहीं हुआ तो तूने गुस्से में आकर नूपुर को मार दिया। अरे नहीं साहब, हम नहीं मारे उसको। ए ज्यादा बकैदी मत कर, तू नूपुर का पीछा करता था, उसे छेड़ता था। करते थे, रोज करते थे, लेकिन उसको देखने के लिए साहब। जिस दिन और जिस समय नूपुर का मर्डर हुआ, तेरे मोबाइल की लोकेशन उसके आसपास ही नजर आ रही है। अरे साहब गए थे उस दिन भी, लेकिन आधा घंटा इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं दिखी तो हमको लगा कि जल्दी चली हो गई या काम पे आई नहीं। तो तूने नूपुर का मर्डर नहीं किया और फिर भी गया है, क्यों? साहब वैसे ही हम पे एक दो मुकदमे चल रहे हैं पहले से, हमको पता था आप लोग सबसे पहले हमको पकड़ोगे, इसलिए। और क्या करता है, गायब हो गया। आखिर क्या था मेरा जुर्म, ये कि मैं अनाथ थी, या ये कि मैंने अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई? जिंदगी सबके साथ इंसाफ नहीं करती, मुझे तो मौत के बाद भी इंसाफ मिलेगा या नहीं कह नहीं सकते, पर उम्मीद अभी भी बाकी है। तेरी उदय के कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था। क्रिमिनल है मिश्रा, एक दो बार जेल भी जा चुका है, इतना तो सीख ही गया होगा, इसके पास मोटिव है। लेकिन फिर भी अगर इसने मर्डर किया है ना, बिना सबूत के आसानी से कन्फेस नहीं करेगा, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कोर्ट में टिकेगा नहीं। सबूत चाहिए मिश्रा, सबूत। आंटी आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, वो कपड़ों को धूप दिखाना था ना, इसलिए। हाँ अच्छा, आंटी श्रवण कहाँ है?
वो दिखा नहीं, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। शगन का दिमाग खराब हो गया है बेटा, वो लखनऊ गया है अपने दोस्त के घर बिना बताए। किसी का फोन नहीं उठा रहा बेटा, हमारा भी नहीं उठा रहा है। प्लीज मुझे बचा लो। सर, ये आपसे बात करना चाहती हूँ। सर, श्रवण को बचा लीजिए सर। सर, वो लोग उसे मार देंगे सर। आप लोग कहाँ भागने की तैयारी? कहीं नहीं सर, हाँ हम तो आपके पास ही आ रहे थे। अच्छा, क्यों? हमारा बेटा श्रवण गायब है, उसी की रिपोर्ट लिखाने आ रहे थे। ये देखो मिश्रा, कुआं खुद चल के प्यासे के पास आ गया। चलिए दरवाजा खोलिए। सर, अरे सर, कुछ एक एक रूम चेक करो। सर क्या कर रहे हैं आप बताएंगे? सब पता चल जाएगा, चुपचाप एक जगह खड़े रहो, समझे? सर, श्रवण तो नहीं मिला, ये रस्सी और थोड़ी सी अफीम मिली है। सब हम सच कह रहे हैं, हाँ हमने कुछ नहीं किया है। हम सही कह रहे हैं सर, हम तो खुद रिपोर्ट लिखाने थाने आ रहे थे सर। ये अच्छा है, खुद के बेटे को बंदी बनाकर रखो और पुलिस पहुंचे तो बोलो रिपोर्ट लिखाने आ रहे हैं। बनाया था ना बंधक अपने बेटे को? तुम्हारे हाथों लिखा है नुपुर का अंत, तुम मारोगे नुपुर को। नहीं नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता बुरा सपना देखा हमने। एक बात पूछे हम, कहीं आप ही ने नुपुर को? ये दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कुछ भी अच्छे पके जा रही हो। दीवारों के कान होते हैं, हम सिर्फ नुपुर को मरवाने की बात करने गए थे। इसका मतलब आपने हमारी नुपुर को मारा है? अरे भैया, हमने किसी को नहीं मरवाया यार। आपको जो भी सफाई देनी है ना, पुलिस स्टेशन में चल के देना। मुझे शर्म आती है आपको अपना बाप कहने में। क्या क्या बोल रहा है लड़का? हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम समझाओ इसे। श्रवण कहाँ जा रहे हो तुम? ए श्रवण, कहाँ कहाँ जा रहे हो भैया? छोड़िया में हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। कहीं नहीं जाओगे तुम, अपने कमरे में जाओगे। छोड़िया में श्रवण क्या किया आपने? अल्लाह ने मचा इसलिए अफीम खिला दी उसे। हम सोच रहे थे सर कि दो चार दिन इसको बांध के रखेंगे घर में, उसके बाद दूसरी जगह पे ले जाएंगे इसे। हेलो, क्या सर? नुपुर को मारा समझ में आया, लेकिन श्रवण अपने खुद के बेटे को भी नहीं छोड़ा। हमने हमारे बेटे को नहीं मारा सर, हम सही कह रहे हैं, हमने नहीं मारा हमारे बेटे को। इकलौता बेटा था हमारा, हम क्यों मारेंगे उसे? हम तो नुपुर को भी उसी की भलाई के लिए रास्ते से हटाना चाहते थे। हमारे लड़के ने हमको ही गलत समझ लिया सर। सर, हमने ना श्रवण को मारा है और ना ही नुपुर को। तूने नुपुर को नहीं मारा तो इतने डर की क्या बात थी?
आने देता अपने बेटे को हमारे पास। सर नन्हे वाली बात नहीं है, हम उस लड़की से छुटकारा पाना चाहते थे बस, और रास्ता ढूंढने के लिए हम ज्योतिषी के पास भी चले गए थे। जो करना है वो नियति खुद करेगी, तुम्हारे हाथों नूपुर का अंत लिखा है। तो बाद में पता चला सर कि नूपुर का सच में खून हो गया, हम डर गए सर। कौन से ज्योतिषी के पास? हाँ, हमने देखा था प्रकाश का हाथ, हमने की थी भविष्यवाणी कि उसके हाथों में खून लिखा है, और देखिए नूपुर मर गई। वाह, क्या भविष्यवाणी की थी आपने, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने नूपुर की सुपारी ली थी? हम दक्षिणा लेते हैं, सुपारी नहीं, जो देखा वो बता दिया। श्रवण के बारे में हम कुछ नहीं जानते। मिश्रा, ज्योतिष मैडम की पूरी कुंडली निकालो, इसकी इतनी सटीक भविष्यवाणी मुझे खटक रही है। सर, सर 22 दिसंबर को पुलिस हेल्पलाइन नंबर 102 पे दोपहर 2:30 बजे एक कॉल आया था, श्रवण नारायण नाम से। क्या? श्रवण नारायण? लो। हेलो पुलिस हेल्पलाइन नंबर, सर मैं श्रवण, श्रवण नारायण, सर प्लीज हेल्प मी सर। मतलब मरने के ठीक पहले श्रवण ने कॉल किया था, कहाँ से आया था, लोकेशन पता चली? सर लोकेशन तो छोड़िए, सर रिकॉर्ड्स में उसका नंबर और पूरी कुंडली निकाल ली है हमने। पूरे घर की तलाशी लो, कोना कोना छान मारो। पुलिस, अब आप लोग मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? आप कौन? मैं सरिता, अनिता की माँ। सर यही वो ज्योतिषी? अच्छा, सही है, चाकू मिला है, बाकी में छुपा के रखा था, पर हैंडल में खून भी लगा हुआ। तो झूठी रिपोर्ट लिखाने आई थी उस दिन थाने तो? हाँ, प्रकाश अंकल ने श्रवण को बांधा हुआ था, और फिर जब मैंने उसे देखा तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया, और मैंने उसे छुड़ाया और मैं उसे अपने घर ले आई। तुम मुझे यहाँ कहाँ लाई हो? मुझे पुलिस चौकी जाना है। श्रवण हालत देखो अपनी, ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो तुम, नशे में हो। हम कल सुबह पुलिस के पास चलते हैं, ओके? अभी तुम सो जाओ। आपसे मिली, आपको आधी बात बताई, लेकिन ये बात जब मेरी माँ को पता चली तो वो गुस्सा हो गई थी। मूर्ख लड़की, दिमाग नहीं के तेरे अंदर? अरे पुलिस के सामने वो सब कहने की क्या जरूरत थी? तुझे क्या लग रहा है, तय कहने से गिरफ्तार कर लेंगे और खुद छानबीन नहीं करेंगे क्या? अरे शिकारी कुत्ता की तरह होते हैं, सूंघते सूंघते पहुंच जाएंगे यहाँ पर, और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि नूपुर का खून मैंने किया है। भगवान, सब बर्बाद कर दिया तूने। हट, श्रवण, श्रवण, मैं छोड़ूंगा नहीं लोगों को। श्रवण, आगे मत बढ़ना। नहीं। हेलो पुलिस हेल्पलाइन नंबर, सर मैं श्रवण, श्रवण नारायण, सर प्लीज हेल्प मी सर, वो सर मुझे। और फिर आपने श्रवण की बॉडी को भी चाकुओं से वैसे ही गोद दिया जैसे नूपुर को मारा था, क्यों? औलाद के लिए अंधा प्यार साहब, मेरी बेटी श्रवण से बहुत प्यार करती थी, वो दिन भर रोती रहती थी, नूपुर को गालियां देती थी, एक बार तो इसने सुसाइड करने की भी कोशिश की। फिर एक दिन प्रकाश से मुलाकात हुई, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं, और मैंने प्रकाश के दिमाग में भर ये बात कि नूपुर को मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं कर पाया ये काम, तो फिर मैंने श्रवण अब फ्री था, धीरे धीरे वो मेरी बेटी को अपना लेता, लेकिन एक दिन ये श्रवण को साथ ले आई घर, सारा प्लान चौपट कर दिया। वैसे थोड़ा बहुत भविष्य मैं भी पढ़ लेता हूँ, और मेरे हिसाब से आपके आगे आने वाले कुछ साल
जेल में बीतने वाले। नूपुर की बदकिस्मती उसके अनाथ होते ही शुरू हो गई थी। सक्सेना की सच्चाई जानते हुए भी नूपुर के अंकल ने उसे काम करने पर मजबूर किया। वो आजाद तो हुई लेकिन अपनी जान गंवाकर। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, पर इतना जरूर हम सब याद रखें कि अगर इरादे बुरे हों तो अंत भला नहीं हो सकता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ।